सॉरी सॉरी गाइस, मैं भूल गए थे बताना आपको, जीरा भी लगता है। तो अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी चल के देखते हैं कि हो गया कि नहीं। टमाटर देखते हैं, हाफ पका है तो अभी हो गया है टमाटर रेडी। तो अभी हम जो ऑनियन काट के रखे हुए थे उसको हम डाल देंगे, ऐसे स्लाइस ऑनियन काटना है। और ध्यान रहे कि फायर हमेशा मीडियम पे बनाना है, मीडियम फ्लेम पे बनाना है। इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स करके इसमें थोड़ा सा फ्लेम हम हाई करेंगे। हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं, इसको ब्राउन होने तक वेट करेंगे। सो गाइस, सो बीच बीच में हम आके यहाँ पे प्याज को चेक करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हुआ या नहीं। तो ऐसे बीच बीच में आके हमको सौते करना है, ऐसे ऐसे चलाते रहना है। देखिए अभी टाइम है, हल्का हल्का हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा। अब तक हम अंडा बॉईल किए हैं उसको, उसका पील कर लें, स्किन निकाल दें, अंडे को छिलके को उतारें, तब तक ये हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। सो थोड़ी देर हो गया, हमारा मसाला पक गया है। अब इसमें हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अंडा भी फ्राई हो रहा है, अभी हमने मिक्स कर दिया एक। अभी हम इसमें राइस डाल देंगे, राइस को ऐसे आप स्प्रेड कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने राइस रख दिया, नीचे एग डाल दिया, राइस रख दिया, मसाला ऑलरेडी है। मैंने एक गिलास राइस लिया था, अगर आप एक गिलास राइस लेते हैं तो उस हिसाब से आपको वाटर डाल। मैंने एक गिलास राइस लिया था तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास वाटर डालूँगी, 1.5 गिलास वाटर ऐड करेंगे। ये हाफ ग्लास वाटर ऐड करेंगे, अगर आप 1 ग्लास राइस लेते हैं तो 1.5 ग्लास पानी डालना है। इसको हल्का सा ऐसे हल्का सा मिक्स करना है, अदरवाइज ओवन से आप प्रेशर कुकर को ऐसे शेक करो। गाइस मैंने इसमें अंडा ऐड कर दिया, राइस कर दिया, और थोड़े से कुकर को आप शेक कर सकते हैं। और अभी आप इसमें आपको क्या ऐड करना है, योगर्ट ऐड करना है और घी ऐड करना है। सो गाइड, सो क्या करना है, अभी ये पहले फ्लेम कम कर देना है, थोड़ी देर ये कूल हो जाए तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। इसमें दही ऐड कर देना है एंड देन उसके बाद आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून घी इसलिए ऐड करते हैं कि बिरयानी आपका मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर छोड़ेगा और सॉफ्ट होगा और फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसमें प्रेशर कुकर ढक्कन लगा देंगे और मीडियम पे करके विसिल लगाएंगे, 3 विसिल लगाएंगे। सो गाइस अभी हो गया है, अभी हम चेक करेंगे। प्रेशर कुकर जब ठंडा होगा उसके बाद ही ओपन करना। वाह, सी परफेक्ट फ्लेवर आया है। इस तरह आप इजीली बना सकते हैं।